नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर लेकर के आ रही राजस्थान मौसम विभाग भारतीय मौसम विज्ञान के मौसम में बहुत ही बदलाव आ चुका है। अब राजस्थान में मध्यम व निम्न बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर बात करें दोस्तों 10 अगस्त की, तो संपूर्ण राजस्थान में ही ग्रीन जोन दे रखा है, यानी मौसम है जो बिल्कुल कमजोर स्थिति बना हुआ है। मौसम है जो ज़्यादातर जिलों में साफ रहने वाला है, कुछ जिलों में अलर्ट भी हो सकता है और हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो जान लेते हैं दोस्तों पिछले 24 घंटों में किन किन जिलों में बारिश हुई थी और मौसम है जो किस प्रकार बना हुआ है, जान लेते हैं जिले बाय जिले मौसम विभाग के अनुसार। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार जान लेते हैं मौसम है जो किस प्रकार बना हुआ है। इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जानेंगे जिले बाय जिले की मौसम में जो किस प्रकार बना हुआ है और किन किन जिलों में पानी दे रखी है। अगर बात करें दोस्तों 10 अगस्त की जो स्थिति बनी हुई है किस प्रकार बनी हुई है और किन किन जिलों में पानी दे रखी है, जान लेते हैं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार। अगर बात करें दोस्तों 10 अगस्त को जो संपूर्ण राजस्थान में ग्रीन जोन दे रखा है, यानी मौसम है जो बिल्कुल साफ रहने वाले हैं, कुछ जिलों में हल्की व मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम में बदलाव भी आ सकता है दोस्तों दोपहर बाद। तो जान लेते हैं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार जिले बाय जिले की मौसम। तो बात कर लेते हैं इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में ही मध्यम व निम्न बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि पूरे राजस्थान में ही ग्रीन जोन दे रखा है, यानी मौसम है जो बिल्कुल साफ रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इधर से यूपी से सटे हुए जिले दोस्तों इन जिलों में हल्की बूंदाबांद देखने को मिलेगी, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, करौली, झुंझुनू और जयपुर, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में हल्की बूंदाबांद व निम्न बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम राजस्थान की बात करें दोस्तों मौसम है जो बिल्कुल साफ रहने वाले हैं और धूप कड़ा खुलने की संभावना बनी हुई है दोस्तों। वैसे बात करें कुछ जिलों में मौसम भी अलर्ट रह सकता है और हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जैसे बात करें नागौर, बीकानेर और चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, इन जिलों में हल्की बूंदाबांद देखने को मिलेंगे। जबकि पूर्वी राजस्थान में बारा, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, सुरवई, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, इन जिलों में हल्की बूंदाबांद देखने को मिलेंगी। मौसम है जो दोपहर बाद अलर्ट भी हो सकता है। अगर कोई भी न्यूज़ अपडेटिंग आएगी तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे इस चैनल के माध्यम से।